দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য কিমান সত্য? অরবিন্দ কেজরিওয়ালে কোয়ার দরে বিজেপির পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শীঘ্রে সন্যাস লব নাকি? দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই হব, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহ হব বলে অপপ্রচার চলাইছে কেজরিওয়ালে। অবশেষত স্থিতি স্পষ্ট করলে স্বয়ং অমিত শাহে, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये कन्फ्यूजन खड़ा करना चाहते हैं। अमित शाह जी प्रवीण को केजरीवाल और जमीन संक्रांत की कहे अमित शाह, केजरीवाल दुखमुक्त हो लिखी? एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित शाह दावी करे ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া 3টা পর্যায়ের নির্বাচনত বিজেপির নেতৃত্বাধীন NDA বহু ভোটত আগুয়াই আছে। আগন্তুক দিনকেটাত অধিক ভোট লাভ করে সরকার গঠন করিব পারিব NDA। ব্যুরো রিপোর্ট, NB নিউজ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য কিমান সত্য? অরবিন্দ কেজরিওয়ালে কোয়ার দরে বিজেপির পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শীঘ্রে সন্যাস লব নাকি? দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই হব, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহ হব বলে অপপ্রচার চলাইছে কেজরিওয়ালে। অবশেষত স্থিতি স্পষ্ট করলে স্বয়ং অমিত শাহে, মে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এন্ড কম্পানি অর পুরে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স কো কেনা চাহতা হুম, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये कन्फ्यूजन खड़ा करना चाहते हैं। अमित शाह जी प्रवीण को केजरीवाल और जमीन संक्रांत की कहे अमित शाह, केजरीवाल दुखमुक्त हो लिखी? एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित शाह दावी करे ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া 3টা পর্যায়ের নির্বাচনত বিজেপির নেতৃত্বাধীন NDA বহু ভোটত আগুয়াই আছে। আগন্তুক দিনকেটাত অধিক ভোট লাভ করে সরকার গঠন করিব পারিব NDA। ব্যুরো রিপোর্ট, NB নিউজ।